दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ओपन टाइप यूनिट व सील्ड यूनिट में क्या अंतर होता है। तो दोनों के अंतर के बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओपन टाइप यूनिट। इसमें कंप्रेसर को चलाने के लिए डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, एसी मोटर व डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। नंबर दो, यह अधिक जगह घेरता है। नंबर तीन, इसमें प्राइम गुरु कंप्रेसर को भी वी कार की बेल्ट जो होती है उसकी सहायता से चलता है। नंबर चार, इसमें विद्युत मोटर और कंप्रेसर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अवस्थाओं में एक आधार पर फिट होते हैं। नंबर पांच, इसमें रेफ्रिजरेशन के लीकेज व लीकेज की संभावना अधिक रहती है। नंबर छह, इसमें मोटर व कंप्रेसर के चक्कर अलग अलग होते हैं। ये ओपन टाइप कंप्रेसर जो होता है उसी की कार्यविधि में बता रहा हूं। इसके बाद आता है सात नंबर, यह घरेलू व व्यापारिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नंबर आठ, इसकी देखभाल आसान है। नंबर नौ, इसमें कंप्रेसर को या कंप्रेस की स्पीड एडजस्ट की जा सकती है। नंबर दस, इसमें गैस चार्जिंग के लिए वाल्व लगे होते हैं। ये हमारा क्या होता है, ओपन टाइप कंप्रेसर। अब आता है हमारा सील्ड टाइप कंप्रेसर। सील्ड टाइप कंप्रेसर में क्या होता है, इन दोनों का अंतर है कि नंबर एक, इसमें एसी 50 साइकिल सिंगल फेस इलेक्ट्रिक मोटर प्रयोग की जाती है। नंबर दो, यह कम स्थान घेरता है। नंबर तीन, इसमें विद्युत मोटर व कंप्रेसर को इकट्ठी शाफ्ट एक ही शाफ्ट होती है। ये दोनों डोम के अंदर वेल्डिंग की सहायता से जुड़े होते हैं। नंबर तीन, इसमें मोटर व कंप्रेसर किसी भी स्थिति में फिट किए जा सकते हैं। नंबर पांच, इसमें लीकेज की संभावना कम रहती है। नंबर छह, इसमें दोनों के चक्कर आरपीएम एक समान होते हैं। नंबर सात, यह केवल घरेलू कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर आठ, इसकी देखभाल या मरम्मत कठिन होती है। नंबर नौ, दोनों अच्छी अवस्था नहीं रहती है। नंबर दस, इसमें कोई भी सर्विस वाल्व नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ओपन टाइप व सील्ड यूनिट में क्या अंतर होता है इस वीडियो में आपको समझाया है, बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है नरेश सर ITI। और इस चैनल पे आपको ITI संबंधित जानकारियाँ, प्लेसमेंट संबंधित जानकारियाँ, प्लम्बर संबंधित प्रैक्टिकल थ्योरिकल व मैकेनिक RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन संबंधित प्रैक्टिकल व RAC संबंधित आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को
सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।